देश में आज से फास्टैग सिस्टम लागू, बिना टैग वाली गाड़ियों को मिली एक महीने की राहत, टोल प्लाजा पर होंगी एक या दो हाइब्रिड लेन। उत्तर प्रदेश में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया। ऑनलाइन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बुलाया है बंद। व्यापारियों ने सरकार से विदेशी ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की। लखनऊ के बीबीएयू में दो गुटों में मारपीट, विश्वविद्यालय के गेट पर देर रात तक अराजक तत्वों ने छात्रों पर किया हमला, हंगामा बढ़ता देख बुलाई गई पुलिस। यूपी सरकार में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने बिजनौर में बसों का औचक निरीक्षण किया, रोडवेज बस में सफर किया, यात्रियों से चालक और परिचालक के बारे में फीडबैक लिया। कुंभ मेला शुरू होने से पहले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री पद को लेकर संतों में मचा घमासान, अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी पर लगाए कई आरोप। हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहे जाने वाली लाइफलाइन एक्सप्रेस संगम नगरी प्रयागराज पहुंची, ये ट्रेन प्रयागराज के सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 8 जनवरी 2020 तक रुकेगी, जहां पर लोग जाकर निःशुल्क अपना इलाज करवा सकते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, राज्य मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने ऊर्जा संरक्षण करने को लेकर लोगों को दिलाई शपथ। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार समेत विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव गैंगरेप लड़की के परिवार से मिले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी को घेरा, कहा मौजूदा सरकार में चरम पर है अपराध। फतेहपुर में लड़की को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवती की हालत गंभीर, बयान में युवती ने रेप के बाद जिंदा जलाने का लगाया आरोप। करीब 70-80% तक जल चुकी है युवती, कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है युवती, सरकार ने हॉस्पिटल प्रशासन को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। वाराणसी में दो दिन से लापता युवती की लाश मिलने से मचा बवाल, गुस्साए परिवार वालों ने तेलियाबाग चौराहे पर जमकर किया प्रदर्शन, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। मेरठ में क्रिकेटर प्रवीण कुमार पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप, एक व्यक्ति ने क्रिकेटर प्रवीण कुमार पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया, पुलिस कर रही है मामले की जांच। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और एसपी नेता ऋचा सिंह के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज, ऋचा पर ठेकेदार को धमकाने और रंगदारी मांगने का है आरोप। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आकर बाइक में लगी आग, घंटों तक ट्रैक पर खड़ी रही इलाहाबाद पैसेंजर, बाइक मालिक की तलाश है। बुलंदशहर के औरंगाबाद में बीजेपी नेता और नगर पंचायत के बाबू में हुई हाथापाई, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किया बीच बचाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर के रिहायशी इलाके में अजगर देखने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा।